आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि साड़ी पर फॉल कैसे लगाते हैं। ये देखिए, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको लगाकर दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साड़ी की मैचिंग की फॉल लेंगे और साड़ी के मैचिंग का धागा लेंगे। आप चाहे डेली यूज की साड़ी हो, चाहे मोतियों से जड़ी हुई साड़ी हो, चाहे कैसी भी साड़ी हो, आप इस तरीके से फॉल रखेंगी। तो फॉल रखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैचिंग का धागा लेंगे। धागे लेंगे मैचिंग के नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ का धागा भी मैचिंग का, ऊपर की तरफ का भी मैचिंग का। आप फॉल को धोकर भी रख सकती हैं, मगर मैंने इस फॉल को धोया नहीं है। एक बार फॉल को धोकर प्रेस करके रखेंगी तो भी अच्छी होती है, मगर मेरी ये रानी की फॉल है, इसलिए इसे तो चाहे कैसे भी रख लो, ये ऐसी ही रहती है, ये सुकड़ती नहीं है। देखिए, ये मेरी नीचे की किनारी है, ये वाली, इसे हम इस तरीके से उल्टी रखेंगे। फॉल हमेशा ध्यान रखना नीचे की किनारी पर ही रखते हैं। अगर आपके पास ये लेस की साड़ी नहीं है तो आप अपने कमर पे रख के भी फॉल को रख सकते हैं। तो फॉल को हम इसे हम थोड़ा सा मोड़ेंगे, हम यहाँ से थोड़ा सा मोड़ेंगे, बस आधा इंची, ये मैंने आधा इंची मोड़ लिया है। और इस तरीके से उल्टी साड़ी रखेंगे और सीधी फॉल रखेंगे। तो आप देख रहे हैं, किनारी से, साड़ी की किनारी से फॉल को थोड़ा सा अंदर रखेंगे ताकि हमारी फॉल साड़ी में से पहनते समय चमके नहीं। तो इसी तरीके से पूरी साड़ी की किनारी पर पूरी फॉल को ऐसे ही रख लेते हैं। और इधर की साइड में आ जाएंगे तो थोड़ा सा इसे भी हम अंदर की तरफ मोड़कर और पूरी को लास्ट कर देंगे। तो पहले इसे रख लेते हैं। तो देखिए, ये मेरी नीचे की तरफ पूरी फॉल रख गई है। तो अब क्या करेंगे, मशीन में से निकाल देंगे। तो देखिए, आपको मैंने बताया था कि ये किनारी पे एक तरफ मैंने इस फॉल को रख लिया है। अब क्या करेंगे, अगर आपके पास चौकी है तो आप चौकी पर भी रख सकती हैं, मेज है तो मेज पर भी फॉल रख सकती हैं, और अगर कुछ भी नहीं है तो आप थाली की या थार की मदद भी ले सकती हैं। तो देखिए, मैंने ये एक थार लिया है और ये सेफ्टी पिन ली है। अब क्या करेंगे, इसे हम इस तरीके से रखेंगे और इसे हम ऐसे रखेंगे। पहले अगर आप पर फॉल रखना नहीं आता है तो भी आप इस तरीके से फॉल रखेंगी तो सीख जाएंगी। देखिए, दो मैंने सेफ्टी पिन ली है यहाँ पे, इस तरीके से लगा लेंगे। किनारे से थोड़ा दूर लगाएंगे ताकि सिलाई करते समय सुई धागे से आराम से सिलाई हो जाए। इस तरीके से पिन लगाने से क्या होगा कि आपकी साड़ी में झोल नहीं आएगी। चाहे कितना भी बॉर्डर हो आपकी साड़ी पे, चाहे मोतियों की कढ़ाई हो, इससे झोल नहीं आएगी। इस तरीके से ऊपर की तरफ से सेट करते जाएं और आरपिन लगा लें। अगर आपके पास ये पूरी आरपिन है तो आप पूरी पे पहले आरपिन लगा लें, अगर नहीं है तो इस तरीके से पांच पांच छह छह आरपिन लगाएं। अगर ये भी नहीं है तो आप सुई धागे से कच्ची सिलाई पहले कर सकती हैं, यानी बड़े बड़े धागे भर के उसके बाद में सुई धागे से फॉल रख लें,
फिर उसके बाद में उस वाले धागे को निकाल दें जो हमने बड़ी बड़ी सिलाई की है। तो देखिए मैंने ये 8 पिन लगा ली हैं, इन्हें मैं हटा देती हूँ। अब इसे हम उल्टी करके रखेंगे क्योंकि अब हमें अपनी साड़ी पर फॉल रखनी है नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ सॉरी, यहाँ पे। तो अब मैं आपको पहले मैचिंग का धागा लेंगे एक। तो देखिए मैंने ये पतली वाली सुई ली है और ये धागा लिया है, इसे मैंने डबल कर लिया है और ये मैंने यहाँ पे नॉट लगा ली है। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ से अपनी फॉल को रखेंगे। नीचे की तरफ यानी साड़ी में से हम दो दो तामे लेंगे और फॉल में से आप दो चार भी ले सकते हैं। पहले हम नीचे से तामे लेंगे दो साड़ी में से, फिर फॉल में डालकर इस तरीके से खींच लेंगे धागे को। इसी तरीके से पूरी फॉल को रखेंगे, बिल्कुल भी झोल नहीं आएगी। अगर आप मेरी पूरी वीडियो देखेंगे तो अपनी साड़ी पर चाहे कितनी भी भारी हो या हल्की डेली यूज की हो या कॉटन की हो, किसी भी साड़ी पर इस तरीके से फॉल रख सकती हैं। तो देखिए पूरी साड़ी पर इसी तरीके से हम फॉल को रखेंगे और ऐसे ही हम रख लेंगे पूरी साड़ी पर। तो अब मैं अपनी पूरी साड़ी पर फॉल रख लेती हूँ, उसके बाद में मैं आपको फॉल को दिखाऊंगी कि देखो झोल आई है कि नहीं। मेरी साड़ी पर कभी भी झोल नहीं आती क्योंकि मैं इस तरीके से सेफ्टी पिनें लगाती हूँ, आप देख रही हैं। तो चलिए पहले इस साड़ी पर भी फॉल रख लेते हैं, उसके बाद में मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मैं आपको पूरी फॉल दिखाती हूँ, देखो बिल्कुल भी झोल नहीं आई है इसमें। तो ये मेरी साड़ी पर फॉल रख के तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें।